बोलो कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, अशोक गहलोत, अशोक गहलोत। आज के इस बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार परम सम्मानीय मानवेंद्र सिंह जी के नामांकन रैली में हमारे बीच में मंच पर विराजमान हमारे राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री और शिव के हमारे लोकप्रिय विधायक परम सम्मानीय अमीन खान जी, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष फतेह खान जी, जैसलमेर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मंच पर विराजमान श्री गोविंद जी भार्गव, आपके यहाँ के जो राजस्थान सरकार में पूर्व मंत्री रहे गफूर खान जी, साथ ही हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सचिव समा बानो जी, मंच पर विराजमान सुनीता जी भाटी जो कि जैसलमेर से आ रहे हैं और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव है, मंच पर विराजमान चित्रा सिंह जी हमारे कांग्रेस की वरिष्ठ नेता, और मंच पर विराजमान लूनकर्ण जी बोहरा जो नगर परिषद के हमारे यहाँ के अध्यक्ष, बालोतरा के अध्यक्ष रतन जी, और मंच पर विराजमान सम्मानित नेतागण, और पंडाल में जैसलमेर और बाड़मेर से दूर दराज से आए हुए हमारे कांग्रेस के नेतागणों, बुजुर्गों, युवा साथियों, माताओं बहनों, किसान भाइयों और पत्रकार बंधुओं, जैसा कि मेरे से पूर्व वक्ताओं ने आपको बताया है कि आज हमारे कांग्रेस हाईकमान ने हमारे बाड़मेर जैसलमेर से हमारे लोकप्रिय कांग्रेस के नेता मानवेंद्र सिंह जी को यहाँ का प्रत्याशी बनाया है। आप सबकी भावनाओं को देखते हुए मैं इस मौके पर हमारे कांग्रेस हाईकमान का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने बाड़मेर जैसलमेर के जन भावना के अनुरूप हमारे लोकप्रिय नेता मानवेंद्र सिंह जी को आपके बीच में उम्मीदवार बनाकर भेजा है। मैं इस मौके पर यही कहना चाहूँगा कि आज से 5 वर्ष पूर्व आपके बीच में जो भी वर्तमान सरकार में विराजमान है, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं हमारे नरेंद्र जी मोदी जो मैंने भारत के प्रधान सेवक बन के बैठे थे, उन लोगों ने आपके बीच के अंदर आके बड़े बड़े वादे किए थे कि नहीं किए थे। उन्होंने ये बातें की थी कि किसान भाइयों, मैं आपका, यदि आपने मुझे प्रधान सेवक बना दिया तो मैं सबसे पहले आते ही विदेशों में जो काला धन पड़ा है उस काले धन को मैं वापस लाऊंगा, और लाने के बाद में आपके बीच के खातों में, आपके जो खाते हैं उसमें 15-15 लाख रुपए जमा कराऊंगा। कहा था, ये बात कही थी कि नहीं कही थी? दूसरी बात ये कही थी कि ये आप ध्यान रखना, यदि आप, मैं आपका प्रधान सेवक बन गया तो मैं सबसे पहले जो सीमा के ऊपर आतंकवाद बढ़ रहा है और जो पड़ोसी देशों का आतंकवाद है उसको मैं समाप्त करूंगा, ये बात भी आपके बीच में कही थी। उसके बाद हमारे युवाओं को ठगा गया, युवाओं को आश्वासन दिया गया कि यदि मुझे मौका मिला प्रधान सेवक बनने का तो मैं 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा। ये 3 बातें मुख्य रूप से आप लोगों के बीच में प्रधान सेवक जी ने कही थी। प्रधान सेवक बनने थे लेकिन उन लोगों ने बहुत बड़ी बातें की। आपने सोचा कि हमारे राजस्थान के जो मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में है अशोक जी गहलोत, उन्होंने भी 5 साल के अंदर आपके बीच में बहुत कुछ काम किए और इतना अच्छा काम किया था कि चाहे अकाल का प्रबंधन हो, चाहे किसान गरीब और मजदूर की रोजी रोटी का सवाल हो, रोजगार का सवाल हो, चाहे बेरोजगारों के लिए कोई भी योजना बनानी हो, उसमें किसी प्रकार की कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन फिर भी आप उस प्रधान सेवक के ढांचे में आ गए। आपने सोचा कि अशोक गहलोत जी तो 1.5 लाख रुपए कर्जा दे रहे हैं और वो बिना ब्याज हमारा कर्जा मिल रहा है, लेकिन मोदी जी तो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि हमारे खाते में 15 लाख रुपए जमा होंगे। किसानों ने सोचा, आप लोगों ने भी सोचा कि 15 लाख से तो मैं अपना मकान भी बना दूंगा, घर भी बना दूंगा, ट्रैक्टर भी ले लूंगा, खेती भी कर लूंगा। आपने बहुत ही अच्छे दिन, जो उन्होंने अच्छे दिन बताने की बात कही थी, आपने भी सपने के अंदर अपने अच्छे दिनों की ख्वाब देखे थे, लेकिन वो काम तो हो नहीं पाया। फिर उन्होंने कहा कि 15 लाख की जगह आज दिन तक 4 साल के 5 साल पूरे होने जा रहे हैं, एक पैसा भी आपके खाते में जमा हुआ हो तो वो किसान भाई या मजदूर या गरीब आदमी अपना हाथ खड़ा कर दे, किसी के खाते में 15 लाख रुपए जमा नहीं हुए। उसके बाद आतंकवाद की बात की, आतंकवाद खत्म करूंगा। आतंकवाद की बात करने वाले ने
मंच पे आके आपको कहा था कि भारत की सीमा पे यदि भारत का जवान का एक सिर कटेगा तो उसके बदले में मैं 10 सिर लाके भारत में रखूंगा। दोस्तों, इन 4 सालों के अंदर कितने हमारे देश के जवान इन सीमाओं पे शहीद हो गए, अनगिनत उन परिवारों को, उन माता और बहनों के जो सिंदूर उजड़ गए, उन लोगों को, उनकी आस्था सुनिए। 4 सालों के अंदर वो सिर कहाँ रखे हुए हैं, अभी तक तो नजर नहीं आ रहे हैं। हालात क्या है, उल्टा उन्होंने आतंकवादी के नाम पे नोटबंदी कर ली और नोटबंदी करने के बाद आपको सबको लाइनों में खड़ा कर दिया। दोस्तों, मैं आपको, किसान भाइयों को, गरीबों को पूछना चाहूंगा, क्या नोटबंदी के वक्त रात को जब 8 बजे मोदी जी ने इस मंच पे आके ये कहा कि नोट 1000 का नोट और 500 का नोट इसीलिए बंद किया जा रहा है कि इससे सीमाओं पे आतंकवाद बढ़ रहा है, तो मैं आप इसे पूछ रहा हूं कि 1000 का और 500 का नोट बंद करने के बाद आपके पास मैं 2000 का नोट और भेज दिया, क्या 2000 का नोट 1000 से छोटा है या बड़ा है? कितने झूठे लोग हैं ये, कितनी झूठी बातें करते हैं आपके सामने, और 4 साल तक बातें कर ली, धर्म के नाम की बात कर ली, भाई भाई को लड़ा दिया, धर्म को लड़ा दिया, जातियों में बांट दिया। दोस्तों, आज देश बहुत खतरे में है। 4 साल से 5 साल से आपने जो स्थितियां देखी देश की, आज इस मौके पे मैं उन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को याद करना चाहूंगा जिन्होंने देश के संविधान की रचना की, ज्योतिबा फूले को याद करना चाहूंगा जिसने संविधान की रक्षा के लिए देश के अंदर शिक्षा और देश की एकता और अखंडता के लिए काम किया। मैं उन महान नेताओं को नमन करना चाहूंगा, चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे राजीव गांधी हो, जिन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए अपने शरीर की कुर्बानी दे दी लेकिन देश को टूटने नहीं दिया। मैं उन त्याग की मूर्ति सोनिया गांधी जी को याद करना चाहूंगा जिन्होंने आज एक वार्ड पंच की कुर्सी के लिए लड़ाई झगड़े हो जाते हैं लेकिन देश के प्रधानमंत्री की खुशी को भी देश की एकता और अखंडता के लिए उन्होंने त्याग कर दिया, मैं उनको नमन करना चाहूंगा। दोस्तों, आपके ऊपर अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, अब वापस वही चौकीदार आपके बीच में आएंगे और बड़े बड़े वादे करेंगे, झूठी झूठी बातें कहेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखने की जरूरत है। दोस्तों, मैं इस मौके पर यही कहना चाहूंगा कि आज 80 दिन हुए हैं राजस्थान के अंदर आपके आशीर्वाद से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी और आपकी आशा अनुरूप, भावना के अनुरूप राजस्थान के मुखिया आप परमादरणीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत बने और उन्होंने आपके बीच में राहुल गांधी जी ने सबसे पहले ये वादा किया था कि हम आते ही आपके किसानों का 10,000 का कर्जा माफ करेंगे। दोस्तों, सत्ता संभालते ही उन्होंने तीसरे दिन किसानों का 2 लाख तक का कर्जा माफ कर दिया, यह आपको मालूम है। कांग्रेस के कथनी और करनी में फर्क नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा झूठ बोलते हैं और झूठों का पुलिंदा है। दोस्तों, मैं यही कहना चाहूंगा, 80 दिन होने जा रहे हैं राजस्थान में कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार को, 80 दिन के अंदर आपके बीच में 21 प्रकार की योजनाएं अशोक जी गहलोत ने आम गरीब किसान और मजदूर के हित की जो योजनाएं है वो आपके बीच में शामिल कर दी है। मैं इस मौके पर यही कहना चाहूंगा, आपको 500 रुपए पेंशन मिल रही थी, गहलोत जी ने आपको 750 रुपए कर दी, आपको 750 रुपए जिन लोगों को पेंशन मिल रही थी वो 1000 रुपए कर दी। आज मोदी जी जाने की तैयारी कर रहे हैं और किसानों के खाते में और 6,000 रुपए की घोषणा कर रहे हैं। दोस्तों, मैं मोदी जी को कहना चाहूंगा, आप तो प्रधानमंत्री है, आपके लेवल का ये काम ही नहीं है कि 2,000 रुपए आप किसानों के खाते में जमा कराओ। हमारे राजस्थान के लोग मुख्यमंत्री ने उन किसानों के खातों के अंदर एक महीने के अंदर 1,000 रुपए के हिसाब से 12 महीनों के 12,000 होते हैं, आपको ध्यान है, और पति पत्नी है तो 24,000 होते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने तो 24,000 रुपए उन गरीबों के खातों में डालने शुरू कर दिए और आप 5 साल के बाद 2,000 रुपए खाते में डाल के किसानों को लूटना और भुलाना चाहते हो, अब किसान समझ चुका है। मैं इस मौके पर यही निवेदन करना चाहूंगा कि पूरे बाड़मेर जिले के अंदर पूरी जो 8 विधानसभा क्षेत्र है उस विधानसभा क्षेत्रों में अपने आप में होड़ मची हुई है। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि आप चाहे जैसलमेर से लगा के बाड़मेर की 7 सीटों पे मानेंद्र सिंह को भारी तादाद में विजय बनाकर और मतदान करके 29 तारीख को भारी मतदान करें और 23 तारीख को जो आपके सामने रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट में बाड़मेर की सीट पे आप भारी बहुमत से मानेंद्र सिंह को जीता के और अपने देश की लोकसभा में भेजें जिससे बाड़मेर जैसलमेर का जो अधूरा सपना है, चाहे रिफाइनरी का है, चाहे नहर के पानी का है, चाहे बिजली का है, वो इस बाड़मेर जिले को जो 5 साल में उपेक्षित रखा गया उनको वापस आगे बढ़ाने का काम हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत और उनकी टीम और साथ ही साथ मानवेंद्र सिंह जी करेंगे। इन्हीं शब्दों के बाद एक बार आपके पुनः आभार, आप बड़ी तादाद में यहाँ पधारे इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय भीम, जय ज्योतिबा फूले। उसके बाद में नहीं लिस्ट आ रही, सारे नेताओं को पहले बुला।